आर्ट ऑफ लिविंग संस्था भलाई द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसके तहत स्कूली बच्चों में पढ़ने की क्षमता, याददाश्त बढ़ाने एवं अपने करियर को लेकर सही फैसले लेने के लिए योग, प्राणायाम और छोटे छोटे खेलों के माध्यम से योग्य बनाया जा रहा है। अमूमन देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे निजी स्कूलों के बच्चे से थोड़ा पीछे रहते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है यह किसी को नहीं पता, परंतु आर्ट ऑफ लिविंग संस्था भिलाई के द्वारा शासकीय स्कूलों के बच्चों को भी इन सभी विधाओं में दक्ष बनाने के लिए बच्चों में ऊर्जा और उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से नई उड़ान नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के योग प्रशिक्षक अजय शुक्ला भिलाई क्षेत्र के निजी स्कूलों में जाकर शासकीय स्कूलों के बच्चों में पढ़ने की क्षमता, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, याददाश्त कैसे बढ़ाएं, कम समय में ज्यादा ज्ञान कैसे प्राप्त करें आदि विषयों पर कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थी अपने अंदर किस प्रकार ऊर्जा और उत्साह का संचार करें, यह सब बातें मात्र 10 मिनट के योग से संभव हो सकती हैं, यह बात की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत छोटे छोटे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम एवं योग प्राणायाम की विधाओं को सिखाकर विद्यार्थियों का आत्मबल भी बढ़ा रहे हैं। नई उड़ान अभियान के तहत आर्ट ऑफ लिविंग संस्था भिलाई के प्रशिक्षक अजय शुक्ला शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर पहुंचे, जहां उन्होंने शाला में अध्ययनरत बालिकाओं के साथ लघु प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित कर भारत देश के इतिहास के बारे में चर्चा की एवं आजादी के 75वें वर्षगांठ को मनाते हुए इसे अमृत महोत्सव के तौर पर मनाए जाने के उद्देश्य को बताया। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस अभियान के तहत हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के तरफ से नई उड़ान करके कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसका उद्देश्य है कि बच्चों के बीच में जाना और उन बच्चों को मोटिवेट करना राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में और उनके पढ़ने के बारे में। आजकल अक्सर देखा जा रहा है बच्चे जो है छोटी छोटी घटनाओं पर अपने आप को सुसाइड कर ले रहे हैं या कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे माँ बाप परेशान हो जाते हैं, तो उन बच्चों में आत्मविश्वास जगाने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए और साथ में कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हम लोग बताने जा रहे हैं, बताते हैं कि जिससे उनको याददाश्त शक्ति बढ़ जाए और किस प्रकार से वो अपने भविष्य की योजनाओं को सफल बना सकें। इसके तहत आज इस कन्याशाला में हमारा कार्यक्रम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है और ऐसे ही कार्यक्रम अन्य जगहों पर भी हम लोग करेंगे। चूँकि शनिवार छुट्टी का दिन रहता है, यहाँ भी कुछ इस तरह के इवेंट होने चाहिए, इसलिए हमारी संस्था आकर काम कर रही है। मैं इस स्कूल को धन्यवाद देता हूँ, प्रिंसिपल मैडम को धन्यवाद देता हूँ, सर लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, थोड़ा इनको गाइडेंस की और ज़रूरत है, थोड़ा इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, निश्चित आगे बढ़ेंगे। बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स मिला? बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी एक बार बच्चों से पूछें कि बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स रहा और किस प्रकार बच्चे एक्ट कर रहे थे। बच्चे पूरे इंजॉय किए और सबसे बड़ी बात बच्चे खुशी की रही कि लास्ट सेशन चल रहा था बच्चों का, अब बच्चे पूरे इंजॉय के साथ उसमें आनंद ले रहे थे, हर एक पल का आनंद लिए और हर क्वेश्चन का जवाब दिए, उन्हें पुरस्कार भी दिया गया, ये बहुत ही अच्छा लगा। शासकीय स्कूल के विद्यार्थी भी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा चलाए जा रहे नए उड़ान अभियान को काफी पसंद कर रहे हैं और एक घंटे की कार्यशाला के बाद बच्चे खुद के अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का धारा प्रवाह महसूस कर रहे हैं, जिससे वे काफी प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।